Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I'm sure कि आप लोग जो हम बहुत ही अच्छे होंगे। guys, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और आज के इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कभी भी कोई भी ब्लॉग लिखने जाएं तो हमें जो है किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह से ब्लॉग को जो है लिखना होता है, क्या क्या सेक्शन हमें कवर अप करने होते हैं और इसमें जो है क्या क्या चीजों पे है, कैसे हम रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से जो है ये सारी चीजें हमें करनी होती है। सो गाइस, हम आ गए लैपटॉप स्क्रीन पे और यहां पर जो है आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट, स्पेलिंग गलत हो गए, राइट ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट को लिखते इस वक्त हमें क्या क्या चीजों का सबसे पहले काम करना होता है, बेसिकली इसके लिए भी हमें रिसर्च करनी होती है। रिसर्च क्या करनी है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है यहाँ पे कंटेंट। कंटेंट की अगर बात करें तो कंटेंट जो है यहाँ पे बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉन्टेंट और दूसरा जो है यहाँ पे होता है लॉन्ग टर्म कॉन्टेंट। शॉर्ट टर्म कंटेंट आपका वो कंटेंट होता है जिसके ऊपर हमने काफी अच्छी मेहनत करी, ब्लॉग लिखा, लेकिन वो ज्यादा समय तक जो है हमें उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म वो कंटेंट होता है जिसपे आपको काफी समय तक जो है यहाँ पे ट्रैफिक मिलता रहता है और हम जो है काम करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का हमें पता कैसे चलेगा, लेके चलता हूं आपको सीधा वापस एक वेबसाइट पे और यहां पर हमने लिखना है ट्रेंड्स .google.com। वापस यहां पे आ गए। अब जो है मैं यहां पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं, लेट से इंडिया, तो हमारा टारगेट ऑडियंस इंडिया। तो यहां पे मैं सबसे पहले लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को मैंने यहां पे सर्च करा तो यहां पे देख सकते हैं कि पिछले 12 महीने के अंदर ये कंटिन्यू ट्रैफिक इसके अंदर आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 साल का अगर मैं देखता हूं तो यहां पे ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। लेकिन ये आपका जो कॉन्टेंट है ये क्या है, लॉन्ग टर्म। अगर आप देखें यहां पे 2015 की बात करें तो 15 के अंदर ट्रैफिक का अगर आपने किसी ने ब्लॉग पोस्ट लिखा होगा वो अभी तक उसके ऊपर ट्रैफिक 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 मिलते जा रहा है, जबकि हम 2020 में आ चुके हैं, मतलब 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी उस कंटेंट के ऊपर उसको रेगुलर यहां पे जो है ट्रैफिक मिलता जा रहा है। और हो सकता है कि क्योंकि ये रेगुलर ट्रैफिक है तो हो सकता है कि उसका जो है फर्स्ट पेज पे आ जाए, और फर्स्ट पेज पे आ गया फिर तो क्या है कि यहां पे बहुत भर भर के ट्रैफिक जो है उसको मिल सकता है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म का। तो यहां पे हमें पता चला कि ये इस पे रेगुलर ट्रैफिक आते जा रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह पे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं से फॉर एग्जाम्पल कोविड 19 जो है इसको अगर हम सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे इसके ऊपर जो है, चलो 5 साल को हटाओ क्योंकि पहले तो ये बीमारी थी नहीं, अब जो है हम पिछले 12 महीने की बात करते हैं, 12 महीने में भी छोड़ो क्योंकि पहले भी नहीं थी, तो हम जो है लास्ट 30 डेज की अगर बात करें या 90 डेज ले लेते हैं, चलो 90 डेज की बात करें तो 90 डेज में देखेंगे जब मार्च के अंदर जो है ये इंडिया के अंदर यहाँ पे मीडिया वगैरह पे आया तो उसके ऊपर अगर किसी ने कंटेंट लिखा तो धीरे धीरे इसका ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे जाते जा रहा है। तो ये है हमारा शॉर्ट टर्म कंटेंट। अगर इसके ऊपर आपने बहुत अच्छे से मेहनत करके बहुत अच्छा ब्लॉग लिख दिया 2,500 वर्ड का तो यहां पे आपको रेगुलर जो है आपको मार्च अप्रैल के अंदर भर के ट्रैफिक मिल गया होगा, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। बट अब देखें जैसे जैसे यहां पे टाइम पास होते जा रहा है वैसे वैसे यहां पर जो है आपका जो ग्राफ है वो नीचे जाते जा रहा है, यानी कि आपके ब्लॉग के ऊपर जो है वो ट्रैफिक कम होते जा रहा है, राइट। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको यहां पे लॉन्ग टर्म कंटेंट और शॉर्ट टर्म कंटेंट को कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक है उसके ऊपर जो है हम यहां पे आके सर्च कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ब्लॉग है उस पर जो ट्रैफिक है रेगुलर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। इसके बाद वापस चलते हैं यहां पे और क्या चाहिए होता है यहां पे। इसके बाद हमें जो कंटेंट लिखना है तो कंटेंट क्रिएशन करते वक्त हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन करते वक्त तो सबसे पहले तो हमें यहां पे ओवरव्यू जो है उस जो भी एक्स वाई जेड जो भी हमारा टॉपिक है उसका ओवरव्यू देना होता है। फिर ओवरव्यू के बाद हमें यहां पे उसका जो है डिस्क्रिप्शन देना होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद सिर्फ ओवरव्यू और डिस्क्रिप्शन देने से ही काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको
जो लोग आपके इस ब्लॉक के ऊपर आ रहे हैं, ट्रैफिक जो आ रहा है, उनको सिर्फ ओवरव्यू और डिस्क्रिप्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भरी पड़ी होंगी जो कि आपका से फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग है क्या और ये कैसे काम करता है, अगर इतना मैंने ओवरव्यू और डिस्क्रिप्शन लिख दिया तो ये तो बहुत सारी वेबसाइटें बता रही है, तो फिर लोग जो हैं आपकी वेबसाइट पे क्यों आएंगे? तो हमें यहाँ पर रीजन देना है उनको, हमें उसको बेनिफिट्स बताने हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, राइट? अब यहां पर बेनिफिट्स के बाद अगर वो जाते हैं इसके अंदर, तो उनको चैलेंजेस क्या-क्या मिलेंगे, तो आपने ये डिस्क्राइब करा अपने आप को अलग करने के लिए। फिर आप भी, क्योंकि आप एक पूरा ये आर्टिकल लिख रहे, तो आपकी रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है? तो यहां पे रिकमेंडेशन जो है आप लिखोगे कि क्या रिकमेंड करते हो आप, क्योंकि आप लिख रहे हो तो आपको अच्छे से आपने रिसर्च करी होगी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो आपका रिकमेंडेशन क्या है। और फाइनली एंड में आपको जो है यहां पे लिखना होता है कॉन्क्लूड, ठीक है? कंक्लूजन क्या है इसका, कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। रिकमेंडेशन के बाद आपने कंक्लूजन देना है, और ये आपका जो है कंटेंट क्रिएशन का काम हो गया। इसके साथ साथ हमें एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है, हमने यहाँ पे कंटेंट सर्च कर लिया, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, कंटेंट को क्रिएट करते वक्त हमने ध्यान रख लिया कि क्या क्या चीजों को हमें रिक्वायरमेंट, किस तरह से हम ब्लॉग जो है पूरा किन किन सेक्शंस के अंदर लिखेंगे, क्या क्या डिटेल्स हम उसके अंदर डालेंगे, ये भी हमें पता चल गया। फाइनली हमें जरूरत होती है एक अट्रैक्टिव हेडलाइंस की। अब अगर हेडलाइन नहीं होगी, राइट, अगर हेडलाइन आप अट्रैक्टिव नहीं डालोगे तो लोग क्यों आएंगे आपके उस आर्टिकल के ऊपर, क्यों क्लिक करेंगे? से फॉर एग्जाम्पल हम वापस चलते हैं गूगल पे, राइट, यहां पे मैं गूगल पे जाता हूं और गूगल पे जाके लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग, राइट, डिजिटल मार्केटिंग लिखा मैंने यहां पे, और मार्केटिंग हो गया, मैं मार्केटिंग कर देता हूं। अब यहां पे ये मुझे लिख रहा है दी हू व्हाट व्हाई एंड हाउ डिजिटल मार्केटिंग, राइट, ये एक लिखा गया, इसमें क्या हो रहा है, यहां पे हमारे माइंड में एक क्वेश्चन जा रहा है, हू व्हाट व्हाई एंड हाउ। अब ये क्या है हमें जानना पड़ेगा, राइट, डिजिटल मार्केटिंग मेड सिंपल, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड, ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्टिव बनाने के, लोगों को अपने वेबसाइट पे लाने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए जो हमें यहां पे ये। अब यहां पे देखो ट्रैफिक कितना आ रहा है, 6,700 पर मंथ ट्रैफिक यहां पर मिल रहे हैं, राइट। इसके बाद जो है अगर और नीचे चले तो यहाँ पे अलग अलग आपको जो है यहाँ पे मार्केटिंग मिलती रहेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, तो हमें भी एक ऐसा हेडलाइन की रिक्वायरमेंट है जिसके वजह से हम जो है लोग जो है हमारे उस हेडिंग को पढ़कर हमारी वेबसाइट तक आए, तो ये अट्रैक्टिव होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये हमें चीजें चाहिए होती हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही हम जो है ब्लॉग को पोस्ट करेंगे। अब एक ब्लॉग को लिखते वक्त आपका, हमने यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यही रिक्वायरमेंट होती है कि हम कंटेंट कैसा लिखने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमें चाहिए, वो हमने कर रिसर्च कर ली। अब अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक आर्टिकल को लिखते वक्त जो है हमें क्या क्या सेक्शंस के अंदर ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना होता है, वो अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। और आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। और अगला वीडियो अंत तक स्टे सेफ, स्टे एट होम।